हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है टाइगर इन द टनल। टाइगर तो आप सब जानते ही हैं, शेर। टनल बोले तो एक गुफा। एक गुफा में एक शेर था, टाइगर इन द टनल। पूरी स्टोरी समझते हैं, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, स्टोरी वाइज समझेंगे हम। स्टूडेंट्स, एक गांव में एक फैमिली रहती थी जिसमें पिताजी का नाम था बलदेव। बलदेव की फैमिली रहती थी, उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसका बच्चा उस फैमिली में रहते थे। बच्चे का नाम इस चैप्टर में हाईलाइट किया हुआ है, तेंबू नाम था उस बच्चे का, तेंबू। और फादर का नाम था बलदेव। बलदेव पेशे से, बाय पोस्ट, प्रोफेशन से, वो एक गार्डमैन थे। स्टेशन पे सिग्नल करते थे, ट्रेन आती थी तो झंडी दिखाते थे, लाल झंडी, हरी झंडी, ये काम था बलदेव का। वो जिस गांव में रहते थे, उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। हो सकता है बहुत पास्ट की स्टोरी हो, या फिर जिस गांव में रहते थे वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो और वहां पे ट्रेन्स भी कमी आती थी, दिन में मुश्किल से एक ट्रेन आती थी, वो भी रात के टाइम पे। तो बलदेव का काम ये था कि जाके उस ट्रेन को सिग्नल देना, कि हरी झंडी दिखाना कि भाई आप यहां से जा सकते हो। रुकती नहीं थी, बस उस स्टेशन से पास होती थी, झंडी दिखाने का काम था बलदेव का। तो अचानक से रात के 2-2.5 बजे बलदेव की एकदम से आंख खुली और उसको याद आया कि यार अभी मुझे ट्रेन को झंडी दिखाने जाना है। तो बलदेव नींद से उठा तो उसका बेटा भी बोलता है नींद से उठ के, पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो मिस्टर बलदेव कहते हैं कि बेटा नहीं, आप घर पे रुको और मम्मी का और अपनी सिस्टर का ख्याल रखना, मैं होके आता हूं। बलदेव ने अपनी लालटेन उठाई और ऑयल उठाया, केरोसिन ऑयल लालटेन में, पुराने जमाने में, आजकल इलेक्ट्रिक लालटेन आती है, पुराने जमाने में ऑयल डालते थे उसमें। तो बलदेव ने एक हाथ में ऑयल भी ले लिया, पैकेट, और लालटेन भी ले ली। ऑयल लेने की जरूरत क्यों पड़ी, कई बार ऐसा हो जाता था कि लालटेन बंद हो जाती थी स्टेशन पे। अब रात के समय में तो दिखेगा नहीं अगर रोशनी नहीं होगी, तो बलदेव को वापस भाग के घर आना पड़ता था और ऑयल लेने आना पड़ता था, फिर जाके वो ऑयल से वापस लालटेन जलाता, तो वो एक्स्ट्रा ऑयल अपने साथ कैरी करता था। बलदेव अपनी लालटेन और ऑयल लेके स्टेशन की तरफ बढ़े। जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव में शेर वगैरह आना बहुत नॉर्मल सी बात थी, लोगों ने कभी देखा नहीं था, लेकिन हाँ आवाज वगैरह तो रोज सुनते थे रात को। बलदेव को पता था शेर वगैरह आते, तो बलदेव अपनी एक कुल्हाड़ी लेके जाता था, जिसको इंग्लिश में बोलते एक्स। बलदेव वो कुल्हाड़ी लेके डेली स्टेशन पे जाता था, उसको डर रहता था रास्ते पे कभी कोई टाइगर आ जाए तो मैं इससे हमला कर दूंगा। अच्छा, बलदेव को टाइगर से डर नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि उसके बाप दादा जो थे, एंसेस्टर्स जो थे, उन्होंने कई शेरों को मार के खाया था, डिनर करा था शेरों का, तो वो इसलिए डरता नहीं था। और वो जो उसके पास कुल्हाड़ी भी थी, वो उसके दादाजी की पुश्तैनी कुल्हाड़ी थी, तो उसको उस कुल्हाड़ी पे गर्व था कि कभी मेरे पे कोई शेर अटैक करेगा मैं एक मारूंगा और सीधा शेर ढाए हो जाएगा। तो बलदेव अपनी वो कुल्हाड़ी लेके स्टेशन की ओर बढ़े, स्टेशन पे बैठे। इनका काम क्या रहता था कि जो गुफा है, टनल, एक छोटी सी टनल होती थी, उसके अंदर जाके देखना कोई गाय भैंस बेचारी बकरी कोई नहीं आ गई हो। ऐसे ट्रेन आ जाएगी तो गाय भैंस पे चढ़ जाएगी तो एनिमल हार्म हो सकता है। तो बलदेव का काम यह था कि उस गुफा के अंदर जाके लालटेन लेके गुफा के अंदर देखे कि कोई गाय भैंस तो नहीं, अगर है तो उनको बाहर निकालो ताकि ट्रेन आ पाए। आजकल तो फाटक वगैरह लग गए, जानवर वगैरह नहीं आते हैं, कई बार आ भी जाते हैं। तो बलदेव का काम था जानवरों को क्लियर करना। तो बलदेव अपने ऑफिस में बैठे थे, फिर वो टनल में गए, गुफा के अंदर गए अपनी लालटेन लेके। उन्होंने देखा कि कोई जानवर नहीं था, कोई गाय भैंस बकरी नहीं थी। कैसे चेक करते थे, वो लालटेन रखते थे अपने चेहरे के सामने और उनकी जो शेडो है वो सामने वाली दीवार पे बन जाती थी, तो समझ जाते थे बीच में कोई जानवर वानवर नहीं है। अगर दीवार तक पूरी शेडो नहीं बनती तो वो सोच जाते, बड़ा इंजीनियर दिमाग लगाते थे। वो आके वापस अपने गार्ड रूम में बैठ गए। अच्छा, उनका कोई गार्ड रूम नहीं था, सिर्फ एक कुर्सी को गार्ड रूम बोलते थे। वो उस कुर्सी पे आके बैठ गए। उनको एक आवाज सुनाई दी शेर के दहाड़ने की। आप लोग अगर कभी बैठे हो और शेर के दहाड़ने की आवाज आ जाए, वैसे तो आप कई लोग ऐसे बोलते होंगे कि मुझे शेर से भी डर नहीं लगता, लेकिन एक बार आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो बलदेव को शेर की आवाज आई। बलदेव भाई साहब डरे नहीं, क्यों? क्योंकि उनके लिए आदत थी, वो रोज आवाज तो सुनते ही थे लेकिन किसी गांव वाले ने कभी शेर देखा नहीं था। तो बलदेव को पता था आवाजें तो आती रहती है, जब सामने आएगा तो देखेंगे। ठीक है,
थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, बल्देव ने नोटिस ही नहीं करा, बोले आते रहते हैं यार। फिर थोड़ी देर बाद आवाज पास से आई तो बल्देव थोड़े घबराए, जैसे ही मुड़ के देखा तो पीछे शेर खड़ा है। बल्देव भाई साहब थोड़ा बहुत तो डर गए होंगे, अब शेर से सामना हो रहा है, कोई बात नहीं, सोचा फाइट कर लेंगे। शेर भाई साहब आए, जंप लगाया बलदेव के ऊपर, तो बलदेव ने अपनी कुलाड़ी मार दी डिस्क्याओं, अच्छा कुलाड़ी से डिस्क्याओं वाली आवाज नहीं निकलती, कुलाड़ी उस शेर को ऐसे मार दी। अच्छा शेर को नुकसान पहुंचा, शेर थोड़ा घबरा गया, थोड़ा पीछे हटा, उसको दर्द हुआ। फिर भी आपने सुना होगा कि घायल शेर और ज्यादा खतरनाक होता है, तो शेर अब घायल हो गया, अब उसको और ज्यादा गुस्सा था कि इस बलदेव को तो मेरे को मारना है। बलदेव ने फिर, वो शेर ने जंप लगाई, थोड़ा पीछे गया, फिर वापस पीछे जाके, शेर पीछे जाके वापस जंप लेता है, तो शेर ने वापस जंप लिया, तो बलदेव ने फिर अपनी कुलाड़ी डाल दी। इस बार बलदेव से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई, वो जो कुलाड़ी थी वो शेर की हड्डी में फंस गई। जैसे ही कुलाड़ी मारी तो शेर की हड्डी में वो कुलाड़ी फंस गई, वो कुलाड़ी वापस नहीं निकली, तो जब बलदेव ने ऐसे हाथ करा तो खाली हाथ हो गया। अब शेर की बॉडी में कुलाड़ी अटकी हुई और बलदेव खाली हाथ है। अब जब बलदेव पे शेर वापस अटैक करेगा तो उसके पास कोई हथियार है ही नहीं। ये सारा जो सीन चल रहा था वो लगभग टनल के पास में चल रहा था। तो बलदेव भाई साहब को शेर ने मार लिया, काट लिया, सब कुछ कर लिया, डेड हो गए। बलदेव भाई साहब अपनी जान से हाथ धो बैठे, शेर ने उनका कत्ल कर दिया। उसी समय ट्रेन आई, ट्रेन आई तो शेर वो ट्रेन देख के घबरा गया और टनल के अंदर चला गया। अब घायल शेर है, ज्यादा दूर तक तो भाग नहीं सकता, वो टनल के अंदर भाग रहा था, ट्रेन पीछे पीछे आ रही थी, शेर आगे आगे, ट्रेन पीछे पीछे, शेर आगे आगे, ट्रेन पीछे पीछे, शेर आगे आगे, ट्रेन पीछे पीछे, ट्रेन आवाज भी दे रही थी, चिक 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 चिक, लेकिन शेर थोड़ी हटेगा, वो तो शेर है। वो ट्रेन शेर के ऊपर चढ़ गई, टाइगर के ऊपर चढ़ गई और टाइगर की वहीं पे डेथ हो गई। अगले स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो ट्रेन का जो लोको पायलट था, ड्राइवर था, वो उतरा, उसने देखा ट्रेन के टायर पे खून वून लगा हुआ है, तो वो सोचे यार मैंने किसका कत्ल कर दिया, कोई जानवर गाय भैंस किसी को तो नहीं मार दिया, तो वो वापस पीछे गए चेक करने। इंक्वायरी कमीशन बैठी, चेक करा तो वहां पे एक शेर मरा हुआ था। शेर की बॉडी के पास में उनको बलदेव की बॉडी भी मिली, तो बलदेव तो अपनी जान से हाथ गवा बैठे। बलदेव के मौत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके बेटे पे आ गई, तेंबू पे आ गई। तेंबू ने अपने फादर की वही जॉब ले ली। कई लोगों ने उनको समझाया, तेंबू इन लोगों की ये जॉब मत लो, बहुत रिस्की है, शेर वगैरह से पापा का ये हाल हुआ तो तुम्हारा भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी तो उम्र ही कितनी है। लेकिन तेंबू ने कहा कि मेरे फादर जो थे वो बहुत ज्यादा वीर थे, उन्होंने शेर का आखिरी समय तक मुकाबला किया। मेरे ग्रैंडफादर की एक्स मेरे साथ है, वही जो पापा जिससे वार कर रहे थे वो एक्स मेरे साथ है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बलदेव के बेटे ने, तेंबू ने बलदेव की जॉब ले ली स्टेशन पे, अब वो गार्डशिप करने लगा और फैमिली को पालने पोसने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।